नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस सीटीपी शहर में कार में पिछली सीट पर बैठे लोगों को सीट बेल्ट पहनने के लिए लगातार जागरूक कर रही है। वहीं उन्हें ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाते हुए हेलमेट भी बांटे जा रहे हैं। लोगों को सीट बेल्ट पहनने के लिए जागरूक करने के लिए पुलिस स्वर्गीय हास्य कलाकार जसपाल भट्टी का भी उदाहरण पेश कर रही है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी ट्रैफिक पुलिस ने शेयर किया है। बता दें कि चंडीगढ़ से जुड़े मशहूर हास्य कलाकार जसपाल भट्टी की अक्टूबर 2012 में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वह भी कार की पिछली सीट पर थे और सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। वहीं हाल ही में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत ने पिछली सीट पर सीट बेल्ट पहनने की अहमियत को लेकर देश भर को जगा दिया था। वहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाए जाने को अनिवार्य करने पर जोर दिया था। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के जवान लोगों को बता रहे हैं कि सिर्फ चालान से बचने के लिए ही नहीं सीट बेल्ट ना पहने, बल्कि अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचे। हादसे के दौरान पिछली सीट पर बैठी सवारियां सीट बेल्ट ना पहनने पर झटके से आगे टकराती हैं। वहीं सीट बेल्ट ना पहनने पर ₹1,000 का चालान हो सकता है। ट्रैफिक पुलिस के एक डीएसपी ने बताया कि अभी फिलहाल पिछली सीट पर सीट बेल्ट को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन करके पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट पहनना जरूरी हो चुका है। जल्द ही पुलिस लोगों के चालान भी काटना शुरू कर दिए जाएंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।